हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की। जूनियर इंजीनियर जनरल साइंस के क्वेश्चन से अपने यहाँ तक पहुँच गए और इस 29 अगस्त के शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है ये, ए बॉल ऑफ मास एम इज राइट टू ए हाइट ऑफ एच। एम मास की आपके पास एक बॉल है, उसको एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है एंड देन ड्रॉप टू द ग्राउंड, और वापस इसको ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, एच ऊंचाई से उठा के वापस इसको ज़मीन पर गिरा दिया जाता है। When the ball has fallen half of the height, जब बॉल अपनी आधी ऊंचाई तक गिर जाती है, यानी h बटे 2 हाफ ऊंचाई तक गिर जाती है, the velocity of the ball is, तो यहाँ पे velocity कितनी रहेगी बॉल की वो आपको बतानी है। Where g is the acceleration due to gravity, gravity की वजह से g है यहाँ पे acceleration। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास m है, उसको आप h ऊंचाई तक उठा रहे हो और उठाने के बाद में वापस उसको गिरा रहे हो, और जैसे ही वो अपनी h बाई 2 हाइट पे पहुंचती है इस टाइम आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, जैसे ये h बाई 2 हाइट पे पहुंचती है इस टाइम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी, क्योंकि स्थिर अवस्था से गिर रही है और यहाँ पर कितनी एनर्जी स्टोर है वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी अपनी हो जाती है एम जी एच, एच कितनी हो जाएगी एच बाई 2 हो गई। ओके, काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 एम ए वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 1/2 नीचे वाला कैंसिल, तो ये हो गया जी एच इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडरूट में जी एच, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो जी एच का अंडरूट पहला अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज टुवर्ड्स राइट इन ए कंडक्टर। आपके पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर राइट डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर करंट आई फ्लो हो रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड के अंदर पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको, एंड देयर डायरेक्शन इज अबाउट, और इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक सेकंड के अंदर पास होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी डायरेक्शन बतानी है। अगर राइट साइड के अंदर करंट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड के अंदर, पहला कंसेप्ट क्लियर। तो यानी ये तो अपने हो नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अपने जो आवेश प्रवाह की रेट है वो होती है आई बराबर क्यू बाई टी, यानी आवेश प्रवाह की रेट को अपन बोलते हैं धारा। क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश, अपन में टी। अब देखिएगा अपने को चाहिए एन की वैल्यू, तो एन के लिए हो जाएगा अपने पास आई इंटू टी अपॉन में ई। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 एम्पियर, इंटू टी कितना है 1 सेकंड, अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसको देखो ऊपर ले जाओ मैं, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ हो गया, इसको मैं इस तरीके से रख दूँ 10 बटे, देखो पॉइंट का मैं ऊपर 10 लिख दिया तो नीचे 16, नीचे 16 और 10, ये 10⁻¹⁹ है, इसको मैं 10 तो यहाँ लिख दूँ और 10⁻¹⁹ कर दिया। ठीक है, 18 ये और एक यहाँ, 19 हो गया। अब 100 में 16 का भाग गया 16, 6 बढ़ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, इंटू 10⁻¹⁹, ये अपना आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻¹⁹। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट, और ये अपना आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ ई एम एफ होता है विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसकी आपको डायमेंशन बताने की, इसकी विमा क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो देखिएगा वी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, या वी है या ई है, इसको अपन ले सकते हैं डब्लू बाई क्यू, कार्य बटे चार्ज ले सकते हैं। डब्लू क्या होता है, डब्लू होता है एफ डॉट डी, बल इंटू विस्थापन अपॉन चार्ज होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है, बल, बल की जगह रख दूँ मैं मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डी अपॉन में आई इंटू टी। अब देखो एम है मास, मास का होता है m1, ए हो गया त्वरण, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का हो गया L1, सेकंड स्क्वायर का नीचे T2 हो गया, डी विस्थापन लंबाई में होता है तो L1 हो गया, आई एम्पियर में तो नीचे A1 हो गया, इंटू टी समय में तो नीचे T1 हो गया। तो ये हो जाएगा M1, L कितने हो गए 1 और 1 2, तो L2, टी कितने हो जाएगा 3, ऊपर जाके हो जाएगा -2, और ए है ऊपर जाके हो जाएगा A-1, ये अपना आंसर हो जाएगा M1, L2, T-2 और A-1, ए का होता है I-1, ये कहाँ गया I-1 आने से M1, L2, T-3, I-1, ये अपना आंसर हो जाएगा ए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द डायमेंशन, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसकी डायमेंशन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन बोलते हैं बी से, और बी का फॉर्मूला है बी बराबर म्यू इंटू एच होता है। अब बी बराबर म्यू फिक्स है, एच की जगह अपना फॉर्मूला बनता है NI/L, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स हो गया, फिक्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो अपने पास हुआ ओनली I/L। आई का एम्पियर होता है तो सिंपल है I/L, I/L का होता है अपन L1, ऊपर जाके हो जाएगा I × L-1, ये अपना आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम स्पेयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, कोई बूंद नीचे गिर रही है तो गोलाकार हो जाती है, किसकी वजह से होती है? फॉलिंग ड्रॉप पानी की बूंदें जब नीचे गिरती है तो वो उसका आकार है गोलाकार हो जाता है, स्पेयर शेप में होता है, किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की वजह से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, मैनोमीटर होता है वो प्रेशर मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। यूं आकार की कोई ट्यूब होती है उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, और जो लिक्विड होता है वो स्पेशली मरकरी भरा जाता है। ठीक है, अब ये मरकरी होता है ये प्रेशर मेजर करता है, और प्रेशर मेजर करने के लिए इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हाई होनी चाहिए, तो यानी मरकरी की डेंसिटी हाई होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द लिक्विड यूज इन मैनोमीटर शुड हैव हाई डेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल ये भी सही है। संट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, संट को एमीटर में यूज में लेते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ड्राज अप्रिशिएबल करंट फ्रॉम सोर्स, ये अपना गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ड्राज करता है अप्रिशिएबल करंट फ्रॉम सोर्स, नहीं, इसके अंदर कोई वैसे ड्रॉप नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। आंसर हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी होना चाहिए वैसे आइडियल के लिए, और वैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, ये चौथा गलत हो जाएगा। द कार्बन मोनोऑक्साइड कॉजेज, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी वजह से क्या होता है? तो सर दर्द होएगा, वॉमिटिंग होगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी, कन्वोल्यूजन हो गया, कोमा होगी, और लास्ट स्टेप है इसकी डेथ, डेथ से पहले कोमा। तो ध्यान दीजिए कोमा और डेथ किसकी वजह से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपना आंसर। जी बी दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए फ्लैश ऑन अर्थ, अर्थ है उसके ऊपर ग्रेविटी जी है जिसका मास एम है और रेडियस आर है, तो जी बराबर हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, रेशियो जी बाई जी एट द प्लेस इज गिवन बाई, तो जी बाई जी क्या हो गया, जी नीचे आ गया, तो ये हो गया आपके पास एम बाई आर स्क्वायर, एम बाई आर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा बी। थ्री ट्यूनिंग फॉक्स, तीन आपके पास फॉक्स है या कांटे हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के हैं, आर यू टू प्रोड्यूस साउंड इन साइंस लेबोरेटरी, आपने देखा होगा साइंस लेबोरेटरी के अंदर फॉक्स होते हैं जो फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए यूज में लिया जाता है साउंड यूज करने के लिए, और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखिएगा फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, यदि फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ अलग होगी, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, चारों ऑप्शन अपन पढ़ेंगे तो अपना आंसर जाएगा ए पे। वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूनिंग फॉक ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलेस्ट, यदि जिसकी वेवलेंथ होगी हाईएस्ट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉलेस्ट होगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये कह रहे वेवलेंथ है हाईएस्ट है तो फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट, ये भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड बाय थ्री ट्यूनिंग फॉक्स आर डिफरेंट, नहीं कॉन्स्टेंट रहती है। पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, नहीं लो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है तो उसकी पिच भी लोएस्ट होती है, तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली पहला सही अपना। एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट शो कर देखते हो तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, प्लेन मिरर की बात हो रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट ए कैन रिएक्ट सेपरेटली विद एन एसिड एंड ए बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, आपके पास एक एलिमेंट है उसका कोई ऑक्साइड है वो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ में भी रिएक्शन करता है और अपने को साल्ट और वाटर देता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो भी एलिमेंट है एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ में भी रिएक्शन करना इसका मतलब वो एम्फोथेट्रिक है, तो अपना आंसर होगा ये। अब हमेशा इस गैस के अंदर अपन लेते हैं मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि जिंक हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए है वो एक मेटलिक है नॉन मेटलिक नहीं हो सकता, तो अपना पहला आंसर सही जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन फेवर्स द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सेट्स है वो गैसेज के लिक्विफिकेशन के लिए बिल्कुल सही है। तो यानी गैसेज होते हैं उनके लिए हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर उनका हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो। यहाँ पे आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिएक्शन है उसको अपने को संतुलन करना है, बैलेंस करना है। इधर क्लोरीन देखिएगा, तीन तो ये और दो ये, तो क्लोरीन हो गई सिक्स, तो यहाँ पे भी क्लोरीन सिक्स होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, तो ये अगेन ए की वैल्यू सिक्स आ जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन सिक्स होना चाहिए, तो ये हो गया ए की वैल्यू सिक्स, तो ये ए एच सी एल की जगह बनेगा सिक्स एच सी एल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के अंदर सबसे बड़ा कौन है? अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो आप तो एटम की साइज डिक्रीज होती है, अगर आप अपर टू बॉटम जाते हो तो आपकी जो रेडियस है साइज है वो बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट इन द एटॉमिक नंबर। देखिए ऑप्शन से आपको अब देखिएगा कक्षा डिसेंड करनी है, सोडियम, सोडियम होता है 11 पे और बाकी ये कितने पे आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम, फॉस्फोरस 19 पे आता है। देख लीजिए सीक्वेंस, इनकी आप कक्षाएं देखोगे आप तो ये देखो 2, 8 बाद में 8, 1 ये अलग कक्षा में जा रहा है लास्ट में, तो अपना आंसर हो जाएगा ये, इसकी साइज है वो सबसे बड़ी रहेगी डी। और वैसे भी आप देखोगे अपर से डाउन में ये आपको नीचे मिलेगा। एन एसिड सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ए बेस, कोई भी एसिड सॉल्यूशन है वो एक बेस के द्वारा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन सो प्रोड्यूस्ड इज, जो सब भी सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड होता है उसकी पीएच बताओ। यदि एसिड है बेस के साथ में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो रहा है तो न्यूट्रलाइज की पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजन्स वर डिस्कसिंग अमंगेस्ट देम सेल्वेज, कजन्स है चचेरे भाई बहन है वो डिस्कस कर रहे थे आपस के अंदर देम सेल्वेज उनके बारे में, एज टू वॉच फीचर्स रिसेंबल दो जॉब विच एल्डर इन द फैमिली, कोई फैमिली है उसके अंदर बड़ों के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है इस तरीके से। विच सब्जेक्ट कैन एक्सप्लेन देयर कंक्लूजन, यानी कौन सा सब्जेक्ट है उनके कंक्लूजन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फैमिली की बात हो रही है, फैमिली के अंदर बड़ों की बात हो रही है, बड़ों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, रूट्स होती हैं मिट्टी से पानी का एब्जॉर्ब करती है, बट विच प्लांट टिश्यू रीचेज द वाटर टू लीव फॉर फोटोसिंथेसिस, रूट्स हैं वो तो जड़ों से एब्जॉर्ब करती हैं लेकिन पत्तियों तक पानी को कौन पहुँचाता है, पत्तियों तक पानी को कौन पहुँचाएगा, तो ऑब्वियसली जाइलम, तो आंसर होगा जाइलम, जाइलम। और फ्लोएम होता है जो तैयार भोजन होता है उसको वापस नीचे की तरफ या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी प्लांट्स होते हैं उसके अदर हिस्सों तक पहुंचाता है, दोनों हार्ड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल है और नीचे वाले दोनों सिंपल टिश्यू के एग्जांपल हैं। विच ह्यूमन एक्टिविटी अलोन हैज कॉज्ड मैनी वाइल्ड एनिमल्स टू बिकम एक्सटिंक्ट, किस प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी है जो जिम्मेदार है जिसके कारण से काफ़ी सारे जंगली जानवर हैं वो अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे का, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। एक प्लांट है और एक एनिमल सेल है, आपके पास तो एक एनिमल की सेल है और आपके पास एक प्लांट की सेल है, अब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाइड करोगे, क्या डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे पता लगाओगे ये तो एनिमल की सेल है और ये जंतु की सेल है, ये प्लांट्स कोशिका, ठीक है। तो एक ही डिफरेंस होता है सेल वॉल के द्वारा, जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, एनिमल्स होते हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती, तो अपना आंसर हो जाएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। प्लांट सेल हेड सेल, प्लांट सेल होती है पौधों के अंदर होते हैं सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल होते हैं जंतुओं के अंदर ये वॉल सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। इफ बोथ किडनीज ऑफ ए पेशेंट फेल, यदि कोई पेशेंट है उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी, किडनीज की बात हो रही है, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन हेल्प द पेशेंट लिव ऑन थ्रू द प्रोसेस ऑफ, एक आर्टिफिशियल किडनी है वो हेल्प करती है किसके द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, तो होता है डायलिसिस। द टर्म बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग प्रकार के, जहाँ पे कोई भी एरिया है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रह रहे हो या जो भी एनिमल्स हो या जो भी ट्रीज वगैरह हो, यानी अलग अलग कैटेगरी के रह रहे हो, वेरियस टाइप्स के, वही हो जाएगा ऑल द वेरियस स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ, उसको बोलते हैं अपन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लाउड्स डू नॉट परसीव इन द डेजर्ट्स, दिए गए ऑप्शन में से किसकी वजह से रेगिस्तान के अंदर क्लाउड्स है वो परसीप्टिएट नहीं करते हैं, किसकी वजह से होता है वहाँ पे बादल नहीं बन पाते ज़्यादा, किसकी वजह से होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका लो ह्यूमिडिटी, नमी की वजह से, नमी की कमी की वजह से। द एटमॉस्फेयर लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स, जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनमें से आपको बताना है कि रेडियो वेव्स को कौन सी है लेयर है वो वापस से रिफ्लेक्ट करती है, या जितने भी अपने सेटेलाइट वगैरह ये जो सिग्नल बहते हैं, टीवी वगैरह चलते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, ये किस लेयर के द्वारा होते हैं, रेडियो वेव्स वगैरह ये होते हैं आयनोस्फीयर या आयन मंडल। इन द इंटरफियर ऑफ अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के इंटीरियर के अंदर क्या होता है, जैसे आप अंदर से अंदर जाओगे नीचे ग्राउंड की तरफ तो आपको वो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है,
आंसर हो जाएगा सी, टेम्परेचर राइजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जितना पृथ्वी के अंदर की तरफ जाओगे उतने ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, कोई कनकेव मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप कोई भी इमेज रखते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा कनकेव के लिए यहाँ पे रखते हो तो इमेज यहीं पे बनती है इसकी, और सेम साइज की होती है लेकिन इसकी उल्टी होती है। तो आंसर हो जाएगा बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिएगा इसको, इसका एक बार चेक कीजिएगा, यह कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ द इमेज इज, चेक कीजिएगा इसको, कनकेव मिरर के ऊपर, कनकेव मिरर हो गया उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप कोई भी इमेज रख रहे हो तो कहाँ बनेगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, देखिए ऑप्शन में बताना कि किसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ऑब्वियस सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स के अंदर होते हैं साउंड की स्पीड है सबसे ज़्यादा होती है, और साउंड के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है, माध्यम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये निर्वात के अंदर गमन नहीं कर सकते, निर्वात के अंदर साउंड की वेलोसिटी हो जाती है जीरो, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, उस लिक्विड में कम होती है, गैस के अंदर और कम हो जाती है, और वैक्यूम के अंदर तो बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये एयर है, गैस होगी, गैस होगी, ये लिक्विड हो गया, यानी वुड अपने को सॉलिड दिख रहा है, यहीं पर अपना आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन कंज्यूम लेस पावर, माइक्रोवेव ओवन होते हैं घरों के अंदर यूज में लिया जाता है, वो बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करते हैं, किसकी वजह से, क्या रेडिएशन, क्या रीजन, उनकी स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा स्मॉल। नंबर ऑफ चैम्बर फाउंड इन द हार्ट ऑफ वेल, वेल होता है, ब्लू वेल होता है, उसके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, आंसर हो जाएगा मेमल्स कैटेगरी के अंदर चार। इनको अपने को मैच करना है, लिस्ट वन है, यहाँ पे कोई भी ग्लैंड है या हार्मोन्स है वो आपको दे रखे हैं, हार्मोन्स है, इनको मैच करना है किस तरीके से, क्या होता है, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और फेरोमोन्स। एस्ट्रोजन फीमेल से होता है, आंसर हो जाएगा ये, इंसुलिन पेनक्रिया से होता है और इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज, फेरोमोन्स होता है अट्रैक्ट करते हैं किसको, पार्टनर्स को, और सेंस ऑफ स्मेल, यानी अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू सेंस ऑफ स्मेल, जो जानवर होते हैं वो फेरोमोन्स के द्वारा एक दूसरे के बिहेवियर को पहचानते हैं। एड्रेनलिन है, उसकी वजह से एंगर, फियर और डेंजर, तो ये सब अपना आंसर हो जाएगा, एक के अंदर वन, बाकी इस तरीके से। फॉर ए कलर ब्लाइंड पर्सन रेड कलर अपीयर्स, कोई भी कलर ब्लाइंड पर्सन है उसको रेड कलर किस तरीके का दिखेगा, तो आंसर हो जाएगा अपना ग्रीन कलर, रेड ग्रीन में दिखेगा। द कैटलाइस्ट यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाई द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड होते बनाने के लिए कौन सा कैटलाइस्ट यूज में लिया जाता है, तो इसके अंदर यूज में लिया जाता है V2O5, और V2O5 को अपन बोलते हैं वेनेडियम, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और किसके निर्माण के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड, किसके द्वारा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, V2O5। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रॉन इन चार्जेबल बैटरीज, देखिए ऑप्शन में बताना है कि चार्जेबल बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोड्स के रूप में कौन से मटेरियल सर्व करते हैं, यूज इन डिवाइस सच एज टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर्स, इनके बताना है इलेक्ट्रोड के रूप में कौन कौन से यूज में लेते हैं अपन, तो बैटरीज होती है इनके अंदर अपन लेते हैं निकल और कैडमियम को, निकल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा अपना विटामिन के, और के को अपन क्या बोलते हैं, कहते हैं टॉफी फाइलो क्वीनो क्वीनॉन, और इसी की वजह से रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के अपना आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडाइनमिक सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम तीन प्रकार के हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन हो गया इसका मतलब हीट हो गया, एनर्जी हो गई और मैटर हो गया, दोनों का एक्सचेंज होता है। देखिए ऑप्शन में से ओपन का एग्जांपल कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, इनके द्वारा हीट, एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज होता है, तो आंसर हो जाएगा अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो होता है अपना थर्मस फ्लास्क होता है वो होता है आइसोलेटेड का एग्जाम्पल। तो ये था सेशन अपना, सेट नंबर 19। वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट में डाउट लिख दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहा करो अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो कम बन रहे तो कोई रीज़न है उसकी वजह से बन रहे, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की वजह से, बट कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।